श्री शिवा नमस्ते प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 19 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक प्रत्येक घर में गणपति बप्पा की स्थापना की गई है, गणेश जी की स्थापना की गई है, जिसे हम गणेश उत्सव के नाम से भी जानते हैं। तो 10 दिनों तक गणपति जी हमारे साथ हमारे घर में विराजमान होते हैं। कुछ घरों में 3 दिन का उत्सव होता है तो कुछ घरों में 5 दिन का उत्सव होता है, अपने अपने राज्य अनुसार। परंतु आज मैं आप लोगों के साथ में 5 ऐसे कार्य शेयर करने वाली हूँ जिन्हें यदि गणपति स्थापना में किया जाए तो कितना ही बड़े से बड़ा विघ्न क्यों ना हो, गणपति बप्पा हर लेंगे और जाते जाते भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भरकर जाते ही जाते हैं। परंतु प्रत्येक भक्त को ये 5 छोटे छोटे कार्य अवश्य रूप से करने हैं, जो कि आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। वीडियो यदि थोड़ा सा भी लाभप्रद लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, और यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, गणपति बप्पा के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे प्रथम बात, जब आप गणेश जी की स्थापना करते हैं, जब आप करते हैं तब तो आप बहुत अच्छे से पूजन वगैरह करते ही होंगे, परंतु सुबह शाम में जब भी आप भगवान के समक्ष में धूप दीप प्रज्वलित करते हैं, जब धूप जलाई जाती है, उस समय पर भगवान का धूम्र वर्ण नाम आपको अवश्य रूप से बोलना चाहिए। यह उनका एक ऐसा नाम है कि भगवान कहीं पर भी क्यों ना हो, जैसे ही आप ये नाम बोलते हैं, भगवान तुरंत आपकी पूजा में विराजमान हो जाते हैं। तो सबसे प्रथम कार्य, जब आप पूजन की आरती करेंगे, धूप आपको सबसे पहले जलाना है और भगवान के धूम्र वर्ण नाम का आपको जरूर स्मरण करना है, सबसे पहला कार्य। दूसरा कार्य आपका ये है, जब तक गणपति बप्पा आपके घर में विराजमान है, मैं रोज नहीं बोल रही, जब तक विराजमान है तब तक अपने घर के मुख्य द्वार पर, सुबह हो सके तो सुबह, नहीं तो शाम के समय पर द्वार को अच्छे से साफ करिए। सुबह वैसे तो करना है, सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम में ज़रूर करें। द्वार को, अपने मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करके वहाँ पर एक हल्दी से स्वास्तिक बनाइए और एक रोली से, यानी सिंदूर से स्वास्तिक आप बना सकते हैं। एक हल्दी रोली का स्वास्तिक बना के उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रखकर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। गोल बाती का आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लंबी बाती, कोई सी भी आप बाती का प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 दीपक आपको स्वास्तिक के ऊपर अक्षत रख के ज़रूर प्रज्वलित करने हैं नियम से, जब तक बप्पा आपके घर में है। इससे आपके घर में कभी भी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये पहला कार्य आपको अवश्य रूप से ज़रूर करना है। इसके पश्चात आपको जब भी आप भगवान की सुबह शाम में पूजन अर्चन करें, कम से कम 5 दूर्वा, जिसमें कि 3 गांठ हो, जैसे एक लंबी दूर्वा होती है उसमें 3 गठाने पड़ती है, इस तरह से 5 दूर्वा भगवान को ज़रूर अर्पित करनी है। आप चाहें तो 5, 11 या 21 की संख्या में चढ़ा सकते हैं, और दूर्वा यदि आपको रोज़ नहीं मिल पा रही है तो दूर्वा आप 5 दिन तक बासी नहीं मानी जाती है, तो दूर्वा धोकर भगवान को वापस से आप चढ़ा सकते हैं। और जब तक भगवान आपके घर में विराजमान है, उनका प्रिय भोग मोदक और लड्डू है, तो उन्हें आप मोदक और लड्डू का भोग अवश्य रूप से आपको लगाना है। यह 5 की संख्या में आप भोग जरूर लगाएं, यदि आपसे हो सके तो, नहीं तो 1 की संख्या में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप भगवान को कुछ अलग से भोग नहीं लगा पा रहे, तो भगवान का सबसे प्रिय जो भोग है वह है गुड़ का भोग, तो आप सुबह शाम में गुड़ का भोग भगवान को ज़रूर लगाएं, वो उनका सबसे प्रिय भोग होता है, मोदक से भी अति प्रिय भगवान को गुड़ होता है। इसके पश्चात आप फलों का भोग लगा सकते हैं, भगवान के प्रिय फल हैं बेलफल, जो कि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, जो कि हम शिवजी की पूजा में भी प्रयोग करते हैं। दूसरा फल है केले का भोग, भगवान को ये 2 फल अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो आप इन फलों का ज़रूर भोग लगाएं। अब साथ ही साथ मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे, दीदी रोजाना की पूजा हम किस प्रकार करें, एक दिन तो हमने स्थापना कर दी, अब पूजन हमें कैसे करना है। तो देखिए, सुबह आप स्नान वगैरह करके जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, जो भी आप जैसा पूजन करते हैं वैसा करें। जब आप गणपति जी का पूजन करेंगे, जो आपने स्थापना करी है, सबसे पहले थोड़ा सा पुष्प या किसी भी सहायता से भगवान के ऊपर हल्का सा जल छिड़कें स्नान के भाव से। उसके पश्चात आप उन्हें वस्त्र स्वरूप जो कलावा है वो समर्पित करें, जो पहले का कलावा है उसको उतार के आप रख दीजिएगा। उस कलावे को आप अपने बच्चों के हाथों पे बांध सकते हैं, आप उस कलावे का प्रयोग कर सकते हैं जो आपने भगवान को वस्त्र स्वरूप स्थापना में चढ़ाया था। तो रोज़ आप भगवान को स्नान के लिए छींटा देंगे जल का, कलावा आप भगवान को वस्त्र स्वरूप चढ़ा देंगे, उसके पश्चात भगवान को जो आप तिलक वगैरह करना चाहते हैं तिलक करें, अक्षर चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें, धूप बत्ती जलाएं, जैसा कि मैंने बताया धूम्रवर्ण का आपको नाम लेना है भगवान का, जिससे वो आपकी पूजा में आके स्थापित हो जाएंगे। इसके पश्चात आप भगवान को जो भोग वगैरह लगाते हैं, भोग वगैरह लगा के भगवान की आरती करें, पान चढ़ाते हैं रोजाना तो पान चढ़ाएं, नहीं तो भगवान को भोग फल वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, और सिंपल आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान का रोजाना हम पूजन अर्चन करते हैं।
क्योंकि कुछ कमेंट्स यही थे कि दीदी भगवान को रोज स्नान कराएं, कैसे पूजन करें। तो पूजा की बहुत साधारण विधि होती है, बहुत कोई मुख्य नहीं होता, और हो सके तो भगवान का प्रिय पुष्प है गुड़हल का पुष्प, तो भगवान को गुड़हल का पुष्प हो सके तो रोज चढ़ाएं, नहीं तो गुलाब का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। माला वगैरह की व्यवस्था भगवान के लिए करके रखें पहले ही 10 दिन पुष्प वगैरह की दूरवा, 5 दिन तक अगर आपको नहीं मिल पा रही तो 5 दिन तक उसी दूरवा को धोके चढ़ाया जा सकता है, दूरवा बासी नहीं मानी जाती। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारी थी। अब 3 विशेष उपाय ज़रूर आपको करने हैं जो कि मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर करना है। यदि आपके घर में बच्चे हैं, वे पढ़ाई में कमज़ोर है, या कोई व्यक्ति है उसकी याददाश्त कमज़ोर है, प्रत्येक बच्चों के लिए तो माता पिता को ये उपाय करना ही करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गणेश जी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता हैं, 9 निधियाँ उन्हें प्राप्त हैं, सारे ज्ञान उन्हें प्राप्त हैं। तो यदि आप भी उनकी तरह बुद्धिमान बनना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं बुद्धि का, तब आपको आप स्वयं भी कर सकते हैं, अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। 17 दूरवा ले लीजिएगा, 17 दूरवा को भगवान के सीधे हाथ के पास में जब सूंड रहती है वहाँ पर आपको एक एक करके चढ़ाना है, ओम गण गणपते नमः का जाप करते हुए एक एक करके 17 दूरवा को आप चढ़ा देंगे और भगवान से अच्छी बुद्धि की कामना करेंगे। तो ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय जो कि बहुत ही सुंदर और सरल है, जब आप भगवान को दूरवा चढ़ाते हैं गणेश जी को रोजाना की पूजा में, वहाँ से एक दूरवा निकाल लें, एक दूरवा को अपने घर के मुख्य द्वार पर छुआ कर उसे लाकर गणेश जी का स्मरण करते हुए अपनी तिजोरी में आप रख लीजिए। आपके घर में कभी भी रिद्धि सिद्धि की कमी नहीं होगी, कभी भी गणेश जी की कृपा से बरकत में कमी नहीं आएगी। तो ये तो था दूसरा उपाय जो आपको करना है। तीसरा कार्य आपको एक अवश्य रूप से करना है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, जब भी आप गणेश जी की स्थापना करते हैं तब सिक्के पे जो दो सुपारी रखी जाती है रिद्धि सिद्धि के नाम से, उन सुपारियों का विसर्जन आपको नहीं करना चाहिए, उन सुपारियों को आपको अपने घर की तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। और साथ ही साथ जहाँ पर भी आप जिस स्थान पर गणेश जी की स्थापना करते हैं उस स्थान में गणेश जी के आसपास एक सिंदूर की और एक हल्दी की बिंदी दीवार पर जरूर आप लगा दीजिए रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए, तो जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी आपकी नहीं आएगी। दूसरा एक सबसे सुंदर और विशेष उपाय बता रही हूँ सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो चाहेंगे वो गणपति बप्पा आपको देकर जाएंगे। परंतु इस उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से समझिएगा। आपको ले लेनी है 21 दूरवा, दूरवा लेने के बाद आपको उसको शहद के अंदर डुबा लेना है। शहद में जब आप डुबा लेंगे तो उस पर थोड़ी सी आप सफ़ेद तिल डालेंगे ना, तो वो दूरवा के ऊपर चिपक जाएगी। इस दूरवा को आपको गणेश जी को समर्पित कर देना है सीधे हाथ में सूंड के पास में, जहाँ भगवान की सूंड होती है सीधा हाथ होता है, वहाँ पर आपको दूरवा को समर्पित कर देना है। इस उपाय को आप 5 दिन लगातार करके देखिए। इस उपाय को करने मात्र से आपके जो भी दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं गणपति बप्पा ज़रूर पूर्ण करेंगे, ये मेरा सच्चा विश्वास है, क्योंकि ये उपाय मैं खुद कर चुकी हूँ। और इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के जो भी दुख हैं दूर होते हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो शिवभक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।